सर ब्रेजा अभी सीएनजी में आने की भी कोई न्यूज़ है क्या? नहीं सर, आएगी ही नहीं या फिर आपको नहीं अपडेट? अभी तो नहीं आएगी। अभी नहीं आएगी क्योंकि इन्होंने क्या किया था, अभी पीछे से अर्टिगा लॉन्च करी थी ना, तो अर्टिगा में पहले पेट्रोल में लॉन्च किया, फिर एक डेढ़ दो महीने के बाद उन्होंने अर्टिगा में सीएनजी इंट्रोड्यूस कर दी नई वाली में। तो सुनने में तो आ रहा है कि हाँ यार ब्रेजा आएगी। आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर देता हूँ भाई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो सबसे बड़े बड़े दिग्गज एक्सपर्ट्स बैठे हैं ना, उनको पता चला है या फिर उनको मारुति सुजुकी के ऑफिशियल्स ने शेयर किया है कि ब्रेजा भाई सीएनजी के साथ आने वाली है। अब हो सकता है उसके अंदर एक डेढ़ महीना और लग जाए, लेकिन आएगी तो फॉर श्योर। लो भाई नई ब्रेजा की जो सबसे ज़बरदस्त लुक है ना, वो आती है पीछे से, स्पेशली ये जो टेल लाइट्स है ना भाई, क्या ज़बरदस्त लगती है। मेरे को तो भाई रेंज रोवर की याद आती है इसको देख के, और इसके अंदर जो बीच में ब्रेजा लिखा हुआ है ना, वो भी बड़ा ना सेक्सी लगता है। ये देखो बड़े बड़े फॉन्ट्स के अंदर लिखा गया है, मारुति सुजुकी का लोगो पहले बहुत बड़ा सा आता था, अब हर गाड़ी के अंदर ये छोटा करते जा रहे हैं। और पीछे की लुक में दिखाऊं तो नीचे की तरफ आपको इस तरीके की सिल्वर कलर की स्किड प्लेट देखने के लिए मिल जाती है, चार रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग है यहाँ पे, और आपको रियर डिफोगर साथ में रियर वाइपर दोनों मिल जाते हैं। और अब मैं आपको अलॉय व्हील वगैरह और इस साइड से दिखा देता हूँ। इस साइड से देखोगे तो ज़्यादा कुछ चेंजेस आपको नजर आएंगे नहीं वैसे, हालांकि ये वाला जो ग्लास का जो क्वार्टर ग्लास पैनल है ना पीछे की तरफ वाला, ये थोड़ा बड़ा हो गया है, पहले वाले में थोड़ा कमी दिखता था विजिबिलिटी वाइज। और नीचे देखो भाई अलॉय व्हील, क्या मस्त अलॉय व्हील इसके अंदर आ गए हैं, बड़े ही मॉडर्न से अलॉय व्हील अब इसके अंदर आ गए हैं, ड्यूअल टोन में है और वो भी मशीन कट में, 215/60 R16 16 इंच के इसके अलॉय व्हील है। और इस तरीके का भाई साइड व्यू आता है नीचे की तरफ, यहाँ पे देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा मोटी मोटी सी क्लाइडिंग आ गई है अब इसके अंदर। और बात करें इसके ORVMs की, ये ब्लैक कलर में है, वो भी पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर। और ये आ गई भाई इसकी सामने वाली लुक, बड़े हमने इसके टेस्टिंग म्यूल वगैरह देखे और बहुत सारी वीडियोज़ देखी, कोई चोरी छुपे वीडियो बना रहा था, कोई कहीं से निकाल के किसी की कॉपी पेस्ट करके दिखा रहा था, लेकिन जो सामने से देखने में मज़ा है ना उसकी बात ही अलग है भाई। ये देखो भाई ड्यूअल LED हेडलाइट्स मिलती है और दोनों ही प्रोजेक्टर के अंदर है भाई, ये अभी दोनों लाइट ऑन है। आई डोंट नो कि आप लोग कैमरे के अंदर कितना जज कर पाओगे, लेकिन काफ़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पे फोग लाइट है भाई, फोग लाइट 20 की LED के अंदर आती है। जो सबसे शानदार चीज़ मारुति करती जा रही है ना, वो है भाई चार चार कैमरे। ये देखो फ्रंट के अंदर आपको कैमरा देखने के लिए मिलता है, हालांकि फ्रंट में सेंसर होते तो और बढ़िया टच हो सकता था, लेकिन भाई अपने एंड से मारुति ने बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लिया है। राइट साइड में ORVM के नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको कैमरा देखने के लिए मिलता है, और लेफ्ट साइड वाले के अंदर मैं अगर आप दिखाऊं तो यहाँ पे भी आपको ORVM के नीचे कैमरा देखने के लिए मिलता है, टर्न इंडिकेटर्स भी आपको ORVM के अंदर ही मिल जाते हैं, तो ये भी एक काफ़ी शानदार चीज़ हो गई है। तो ओवरऑल ना भाई मारुति सुजुकी ने बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लिया है, छः छः एयरबैग इसके अंदर डाल दिए हैं, चार चार कैमरे है, 360 पार्किंग कैमरा आ गया है इसके साथ में, आपको मिल जाता है यहाँ साथ में। पहली गाड़ी है भाई मारुति सुजुकी की जिसके अंदर आपको सनरूफ भी देखने के लिए मिलती है, ड्यूअल टोन का भी ऑप्शन दे दिया है आपको। ओवरऑल स्पेस वाइज तो भाई इस गाड़ी में कभी भी कमी नहीं थी, अब भी कोई कमी नहीं है। अभी मैं आपको इसका बूट स्पेस चेक करते हैं अब इसका। ये देखो यार स्पेस वाइज तो यार मारुति का कोई तोड़ ही नहीं है, हर गाड़ी में भर भर के स्पेस निकाल देते हैं, पता ही नहीं क्या इन जापानीज गाड़ी जो भी देख लो भाई स्पेस वाइज आपको कभी अखरेगी नहीं। हालांकि वेन्यू हो गई, आपकी सोनेट हो गई, ये भी भाई सब 4 मीटर कैटेगरी के अंदर आती है, लेकिन वो स्पेस वाइज हमेशा करती है, पीछे वाले बंदों के घुटने अड़ जाते हैं, स्पेस ज़्यादा नहीं मिलता, लंबे लंबे जो होते हैं उनको आगे बिठाना पड़ता है, लेकिन ब्रेजा के अंदर यार कभी बैठ जाओ आप, कितने ही लंबे बंदे ले आओ अड़ेगी नहीं। और स्पेस वाइज यहाँ भी देखो कोई कमी नहीं है, 60/40 में आपको रियर सीट्स मिल जाती है। अभी इसको बंद करके मैं आपको पीछे वाली रो के अंदर लेके चलता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पीछे करके ड्राइवर सीट पे चलाता हूँ, और अभी मैं आपको दिखाऊँ ना यहाँ पे पीछे भी काफ़ी स्पेस मिल जाता है। ये देखो हालांकि पन्नी है इसमें शायद आपको जज नहीं कर पाओगे, लेकिन यहाँ हाथ से मैं आपको दिखा देता हूँ। और अब ये देखो भाई यहाँ पे आ गए हैं आपके रेयर एसी वेंट भी यहाँ पे आ गए हैं। नीचे की तरफ दिखाऊँ तो आपको एक USB-C टाइप का पोर्ट है, और दूसरा जो रेगुलर USB अपनी आती है A टाइप की, वो भी आपको इसके अंदर दे दी गई है। 6 एयरबैग आ गए यार, क्या बात है, मारुति सुजुकी गाड़ियों में 6 एयरबैग आ रहे हैं, सनरूफ आनी शुरू हो गई है, आपको 360 डिग्री पार्किंग कैमरा मिल जाता है, जबरदस्त काम हो गया, चारों के चारों आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल देखने के लिए मिलते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे तो रेयर आर्मरेस्ट भी आपको मिल जाता है विद ट्विन कप होल्डर्स, और इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है इंटीरियर। ये देखो सबसे शानदार जो चीज़ लगेगी ना भाई वो लगेगी इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, और साथ में यहाँ पे टॉप एंड मॉडल में आप देख रहे हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक IRVM दिख रहा है। हेलो हाँ भाई
अभी वी आर ऑल सेट, और मैं अभी आपको बताऊंगा कि भाई किस तरीके का आपको फील होगा जब आप एक सीएनजी की गाड़ी से इस नई ब्रेजा 2022 के ऊपर बैठते हो, और किस तरीके की परफॉर्मेंस आपको लेमैन लैंग्वेज में बताऊंगा, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और वो ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट बनने की कोशिश नहीं करूँगा। जब भी आप इसको चलाने की कोशिश करोगे तो आपको कैसा फील होगा उसकी बात करते हैं भाई। सबसे पहले तो इस तरीके का इंटीरियर मिलता है, इंटीरियर बहुत बढ़िया हो चुका है, बदल चुका है। स्पेशली ये इंफोटेनमेंट सिस्टम देखोगे, मतलब मारुति का प्रोडक्ट अब ये लगता ही नहीं, इतनी इंप्रूवमेंट इसके अंदर हो गई है। और ये स्टेयरिंग व्हील भी आपको स्विफ्ट वाला देखने के लिए मिलता है। और क्लोजली मैं आपको दिखाऊँ तो लेफ्ट साइड में आपको इस तरीके का आरपीएम मीटर मिलता है, राइट साइड में आपको स्मार्ट हाइब्रिड बीच में लिखा हुआ और स्पीडोमीटर देखने के लिए मिलता है। ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी भाई, इसमें ऐसे लगेगा कि बिल्कुल हाँ प्रॉपर एक हाइब्रिड कार होती है ना, उसकी फील आएगी। क्योंकि ऊपर जिस तरीके से इंजन लिख रखा है, बीच में आपको मोटर भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आपको मोटर का एक साइन भी बनाया हुआ है, और नीचे आपको देखने के लिए मिलता है बैटरी की, मतलब बैटरी कितनी आपको यहाँ पे पेंडिंग मिल रही है। लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे मोड मिल जाते हैं इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड, और राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल भी देखने के लिए मिल जाता है। बेस्ट चीज ये है कि भाई आपको VXI वेरिएंट से ही इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे ग्लो बॉक्स की बात करें तो बड़ा सारा मिल जाता है, विद कूल्ड ग्लो बॉक्स है भाई इसके अंदर ये। और ये जो टेक्सचर दिया गया है ब्राउन से कलर का, और इसको यहाँ पे मैच किया गया है इससे, और ड्राइवर साइड डोर की मैं बात करूँ तो इस तरीके का ब्राउन से टेक्सचर इसमें मैच किया गया है। और एक ये चीज़ देखो भाई, पहले ब्रेजा में अगर आपने देखी होगी तो ब्रेजा का ये जो पोर्शन है ना वो ऐसे सीधा रहता था, अब इसके अंदर टेढ़ा कर दिया है, तो ये कन्वीनियंट चीज़ हो गई है। हालांकि ये जो डैशबोर्ड की डिस्प्ले है ये ड्राइवर ओरिएंटेड नहीं है, मतलब कई गाड़ियों में आप देखोगे कि इस तरीके से रहती है, जैसे कि इवन i20 जैसी गाड़ियों में भी आ गया, लेकिन ये बिल्कुल सेंटर सेंट्रिक है, बीच में ही रहता है इसका, ऐसा नहीं है कि ये ड्राइवर की तरफ है। और ये देखो भाई सबसे ज़बरदस्त चीज़, ऑटोमेटिक IRVM आ गया है इसके अंदर, रात को अपने आप ये जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये डिम हो जाएगा। यहाँ पे सनग्लास होल्डर भी आ गया है और लाइट आ गई है, लेकिन ये हैलोजन ही है। और इस तरीके का आपको ड्राइवर साइड ये सनशेड या फिर सन ब्लाइंड देखने के लिए मिलता है। को ड्राइवर साइड देखोगे तो शीशा भी इसके अंदर आता है, एयरबैग की बैजिंग है। और ये देखो भाई मारुति की पहली गाड़ी है ये जिसके अंदर आपको सनरूफ देखने के लिए मिलती है, बहुत ही ज़बरदस्त काम हो गया है। बहुत ज़्यादा नहीं है बड़ी ये, लेकिन आपको व्यू तो मिल ही जाएगा, लेकिन ड्राइवर साइड से देखोगे या भाई जैसे बैठे हैं यहाँ से देखोगे तो ज़्यादा व्यू नहीं मिलेगा, पीछे वाला ही भाई इस व्यू को एंजॉय कर पाएगा। इसके अंदर वैसे कोल्ड ग्लव बॉक्स भी आता है, और ये डिज़ाइन देखो, ये जो फिनिशिंग है ना, हालांकि ड्राइवर साइड से दिखाता हूँ आपको, यहाँ से ये निकल पड़ी है इस तरफ से, और ये सेंटर में आओगे तो इस तरीके से इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे से होती हुई और इस तरीके से नीचे फिर यहाँ पे आके मिल जाती है। और इससे क्या होता है ना, मतलब जो देखता है ना बंदे को ये विजुअल में लगता है कि काफ़ी चौड़ी चौड़ी सी गाड़ी है, इस तरीके का फील देती है। और इसके ऊपर जिस तरीके से ये पूरी ग्लोसी फिनिश के फ्रेम के अंदर डाल रखा ना इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये भी बड़ा प्रीमियम लगता है भाई। और इसके अंदर नीचे आप देखोगे तो नीचे में आपको वायरलेस चार्जर देखने के लिए मिलता है, ये भी एक बहुत बढ़िया टच है। यहाँ पे आपको USB A टाइप का जो नॉर्मल अपनी USB आती है उसका प्लग है, और यहाँ पे 120 वोट का चार्जिंग सॉकेट भी देखने के लिए मिलता है। नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे ट्विन कप होल्डर दिए गए हैं, और आर्मरेस्ट हालांकि बहुत बड़ा सा नहीं लग रहा, लेकिन सफिशियंट आपका पर्स वगैरह आ जाएगा इसके अंदर, और फ़ोन वगैरह अगर आप रखते हैं तो आपको फ़ोन भी इसके अंदर बैठ जाएगा। हालांकि डीप काफ़ी ठीक है, ये अड़ा नहीं वैसे, ये ठीक है। अब वो फीचर दिखाता हूँ भाई जो सेगमेंट में, छोड़ो ऊपर के सेगमेंट वाली गाड़ियों में भी नहीं आती, वो आती है इसकी HUD हेड्स अप डिस्प्ले। यहाँ पे आपको HUD के कंट्रोल देखने के लिए मिलते हैं, और जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करोगे तो आपकी HUD जो है बाहर आ जाएगी। इसको हालांकि आपको दबा के रखना पड़ेगा तब जाके ये बाहर आती है। वाह यार वाह, मतलब BMW, Audi, Mercedes, Volvo जैसी गाड़ियों में आता था। अभी आपको यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको इसकी हाइट को एडजस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको अब दिखाई देगा, पोजीशन 5 आ गई, पोजीशन 6 आ गई, और इस तरीके से ये एडजस्ट हो गई भाई। इसको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब कर सकते हैं। अभी देखो इसके अंदर आपको RPM मीटर देखने के लिए मिलते हैं, लो फ्यूल की वार्निंग आ गई। तो यार अब आपको यहाँ इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी के साथ सेफ्टी का फीचर मानूंगा मैं तो इसको, जो और बाहर से भी देखते हैं ना भाई इसके अंदर जो ये HUD दिखती है तो बहुत ज़्यादा एक प्रीमियम गाड़ी फील होती है ये भाई। मेरे को ना ऐसा फील हो रहा है जैसे पहले लोग 40-40, 50-50 लाख रुपए की गाड़ियों में जो फीचर एक्सपेक्ट करते थे ना, वो भाई 15-20 लाख रुपए की गाड़ियों में आने लग गए। अब हेडसअप डिस्प्ले का किसने सोचा था, हालांकि कॉम्पिटिशन में चाहे ह्यूंडई हो, चाहे टाटा हो, चाहे दूसरी गाड़ियाँ हो, भाई कोई ऑफर नहीं करता ये HUD स्पेशली,
लेकिन भाई अब ब्रेजा के अंदर, बलेनो के अंदर भी एचयूडी है यार, सेगमेंट लीडिंग फीचर्स अब कंपनियों को समझ में आ गया है। अगर आपको कंपटीशन में डोमिनेट करना है ना, तो आपको ऐसे ऐसे सेगमेंट लीडिंग फीचर्स देने पड़ेंगे। 360 डिग्री पार्किंग कैमरा कंपटीशन में नहीं है, एचयूडी कंपटीशन में नहीं है। हालांकि मारुति को इसी चीज़ से जानते थे हम कि भाई फीचर्स के अंदर कंजूसी करने वाली कंपनी है, लेकिन फिलहाल तो भाई सेगमेंट लीडिंग फीचर्स दे रही है। 360 पार्किंग कैमरा होगा, अब देखो मैं आपको 360 पार्किंग कैमरा दिखाता हूँ इसका। जैसे ही मैंने रिवर्स गियरिंग इंगेज किया ना, तो ये देखो आपको ये इस चीज़ में आपको देखने के लिए मिलेगा बैक का व्यू, और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा परफेक्ट 360 डिग्री कैमरा, और यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो आपको साइड का व्यू मिलेगा, मतलब लेफ्ट साइड में क्या है उसका व्यू मिलेगा, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपको बिल्कुल 360 का यहाँ पे व्यू मिल रहा है। ओवरऑल ना ये 360 का जो कैमरा है बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस बना देता है भाई, जब भी आप इसको रिवर्स में लेते हैं। अब इसको चला के देखते हैं भाई ऑल न्यू ब्रेजा किस तरीके की फील होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखो आपको ये टिल्ट मिलता है, और टेलीस्कोपिक भी है भाई ये, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और भी एडजस्टमेंट को आप बेहतरीन तरीके से बनाने के लिए यहाँ पे आप देखोगे आपको ड्राइवर जो सीट है ये हाइट एडजस्टमेंट के साथ मिलती है। मैं अपनी सीट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेता हूँ और अब इसको चला के देखता हूँ। ओके, तो फर्स्ट गियर डाल दिया भाई, बिल्कुल ही लाइट स्टेयरिंग है यार, ये बिल्कुल ही लाइट स्टेयरिंग है। जब मैं रीड से अपनी टाटा टिगोर के ऊपर शिफ्ट हुआ ना, तो मेरे को टाटा टिगोर का बहुत लाइट लगा है, लेकिन भाई ये मेरे को लग रहा है कि टाटा टिगोर से भी कुछ ना कुछ लाइट स्टेयरिंग है। और बात करें क्लच की, तो क्लच हाँ क्लच भी लाइट है। वैसे अगर आप जनरल गाड़ियों की बात करेंगे तो उसके हिसाब से क्लच लाइट है, लेकिन जो टाटा की गाड़ियाँ आजकल आ रही, जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो उसी चीज़ के साथ कंपेयर कर पाऊँगा ना भाई जो मैं फ़िलहाल चला रहा हूँ। अभी जैसे ये वाला जो पोर्शन आप देखोगे, तो ये ईंटे जो टाइल लगी होती है वैसा सा रोड है ये। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा क्लोजली दिखाऊं तो सामने से लाइटिंग आ रही होगी, यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरीके का ये रोड है, और यहाँ पे इसकी जो राइड क्वालिटी या फिर जो अंदर शोर आता होता है ना, उसकी बात कर लेते हैं। बहुत ही मिनिमल सा है, जो नई गाड़ी के साथ आप एक्सपेक्ट करेंगे वही है, कोई आपको डिसअपॉइंट नहीं होगा इसके साथ। और एक चीज़ मैं बताऊं भाई, अभी ये इतनी लंबी चौड़ी सी गाड़ी, वैसे तो ये सब 4 मीटर में है, लेकिन एसयूवी का स्टांस है ना इसके साथ, तो यहाँ से मैं बोनट देख पा रहा हूँ। आपको तो वैसे भी दिखेगा क्योंकि जो कैमरा है आँखों के ऊपर वाले पोर्शन में लगा हुआ है, लेकिन मैं भी यहाँ पे बैठ के और नीचे की तरफ भी मैंने सीट कर दी थी, तो भी भाई मैं इसको देख पा रहा था बड़े इजीली। सेकेंड थर्ड गियर 2500 के ऊपर RPM है और 60 की स्पीड है। फोर्थ में मैंने शिफ्ट किया अभी, और अभी क्योंकि हाईवे आएगा तो हाईवे के ऊपर और अच्छे तरीके से मैं इसके RPM के साथ जो स्पीड का कॉम्बिनेशन है ना, वो आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। अभी मैं आपको ये भी बता दूं भाई, हमारे एक डॉक्टर साहब वो प्लान कर रहे हैं नई ब्रेजा का, हालांकि कन्फ्यूजन ये रहेगी कि अभी रिसेंटली ग्रैंड विटारा भी लॉन्च कर दी है, जो कि नेक्सा प्लेटफॉर्म के थ्रू बिकेगी, और ये तो अपनी नई नई आई ही है जो कि मारुति सुजुकी की, ब्रेजा नाम है विटारा इसके अंदर से निकल गया है। इन दो गाड़ियों में कन्फ्यूजन जरूर रहेगी जो ब्रेजा को चाहने वाले, क्योंकि ब्रेजा भी है विटारा भी है, और उसके अंदर बैटरी भी नई डाल दी गई है, उसको हाइब्रिड बना दिया गया है। अभी तक हाइब्रिड गाड़ियों की बात करें तो होंडा सिटी, टोयोटा की कैमरी, यही गाड़ियाँ अवेलेबल थी, लेकिन अभी ग्रैंड विटारा आ गई है और साथ में टोयोटा का जो हाई राइडर है जो कि उसी की नकल है बेसिकली, जैसे बलेनो और ग्लांजा का कॉम्बिनेशन है, तो उसमें भी कन्फ्यूजन रहेगी। हालांकि अगर प्राइस का गैप बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे कि 5 लाख 6 लाख, तो भाई लोग इसी के ऊपर शिफ्ट होंगे। स्पेशली जैसे अभी मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल देख के चलो, जो मुझे अपने जो अजीज डॉक्टर साहब है उनको दिलानी है, तो क्योंकि उनकी रनिंग बहुत कम है, तो मैं ज़्यादा पैसे खराब नहीं करूँगा, ब्रेजा के ऊपर ही जाऊँगा। लेकिन जिनकी रनिंग बहुत ज़्यादा रहती है और CNG वगैरह से बोर हो चुके हैं या लाइनों में नहीं लगना चाहते, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाएगा भाई वो। बॉडी रोल तो है यार इसमें, जैसे ही आप शार्प टर्न्स लेंगे ना तब आपको फील होएगा, अदरवाइज ऐसे नहीं कि जैसे ही अब इस रोड पे चल रहे हैं, ऐसे रोड पे अगर मान लो ये 60 की स्पीड है और यहाँ पे मैं अगर 60-70 पे लेफ्ट राइट लेता हूँ ना, तब इतना ज़्यादा फील नहीं होता, मगर जब शार्प टर्न्स लेंगे तब आपको बॉडी रोल ज़रूर फील होएगा। और ये बड़ा ही ना एक फ्यूचरिस्टिक सी चीज़ लगती है भाई MID के अंदर, ये जो दिख रहा है ना ऊपर इंजन है, और ये बता रहा है कि इंजन से पावर मोटर में जा रही है और मोटर से जो आपकी बैटरी है वो चार्ज हो रही है। अभी जैसे मैं आपको ये लाइव एग्जांपल दे देता हूँ, मान लो ये चौथा गियर है और अभी मैंने फिफ्थ लगा दिया है, अभी मैं इसको एक्सेलरेट कर रहा हूँ,
तो एक्सेलरेट में ये क्या दिखा रही है, बैटरी से पावर मोटर में जा रही है वापस, मतलब बैटरी भी इंजन को चला रही है, मतलब जो ये व्हील्स चल रहे हैं उसमें बैटरी जैसे एक्सेलरेट करते हैं ना तो बैटरी का कंजम्पशन होता है। अभी जैसे ये 90 की स्पीड है, एक्सेलरेटर मैंने दे रखा है फिफ्थ गियर में, 3000 आरपीएम के आसपास पहुंच चुके हैं। अभी मैं एक्सेलरेटर छोड़ता हूं, ये देखिए मैंने एक्सेलरेटर छोड़ दिया और अब ये क्या दिखा रहा है, इंजन से मोटर से होती हुई बैटरी आपकी चार्ज हो रही है, इस तरीके का दिखा रहा है भाई। अब मैंने एक्सेलरेटर छोड़ रखा है और आप देख पाएंगे इस तरीके से इसके अंदर जो एनर्जी है बैटरी के अंदर स्टोर हो रही है। तो ये बड़ा ही अच्छा सा मैकेनिज्म लगता है भाई, और ये सच में फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। हालांकि ग्रैंड विटारा की बात करें ना, उसके अंदर आपको बैटरी बड़ी मिलेगी, लेकिन इसके अंदर क्योंकि को पैसेंजर सीट के नीचे ही दे रखी है तो आपको बैटरी थोड़ी सी छोटी मिलेगी इफ़ वी कंपेयर विद ग्रैंड विटारा एंड टोयोटा हाई राइडर। अभी जो एक इंपॉर्टेंट नोटिसेबल पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, 80 की स्पीड है और 2500 के आसपास आरपीएम पहुंच चुके हैं। ये अगर यहाँ पे सिक्स्थ गियर होता ना तो ये आरपीएम 1950 या फिर 2000 आरपीएम के आसपास होते, इंजन के ऊपर लोड बहुत कम पड़ता और फ्यूल एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ सकती थी। मुझे ये नहीं समझ आ रहा यार मारुति वाले कब 6 गियर के ऊपर शिफ्ट होंगे मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर। हालांकि ऑटोमेटिक की बात करें ना वो काफ़ी इंप्रूव कर लिया भाई मारुति सुजुकी ने, सिक्स स्पीड पे आ गए हैं और साथ में आपको यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। एक और अच्छी बात जो कि भाई मेरे को लगी, ऑटोमेटिक में चाहे आप VXI लीजिए चाहे ZXI लीजिए आपको पैडल शिफ्टर्स तो मिलेंगे ही, ये बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है। अभी क्रूज कंट्रोल को यूज़ करके देखते हैं भाई क्रूज कंट्रोल कितनी काम की चीज़ है। पहले ये भी बता दूँ कि आपको एक्सेलरेटर छोड़ना पड़ेगा तब जाके इसका जो क्रूज कंट्रोल है वो इंगेज होएगा। जैसे मैंने एक्सेलरेटर छोड़ दिया, ये बटन दबाया और नीचे वाला बटन दबा दिया, ये हो गया सेट, और सेट हो गया है 72 की स्पीड के ऊपर, देख रहे हो। तो ये चीज़ हो गया भाई, और क्रूज कंट्रोल पे जब आप लगा देते हो 2000 आरपीएम के आसपास चलता है तो ये बैटरी का क्या सीन चलता है ये बता दूं। 72 पे क्रूज कंट्रोल सेट है और अभी ना बैटरी चार्ज हो रही है ना डिस्चार्ज हो रही है, सिर्फ इंजन ही इसको पावर दिए जा रहा है, ये चीज़ है भाई। हालांकि स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मेरे को इसकी सही लगी, ये जो टेक्नोलॉजी लगाई है और ये जो बैटरी इसके अंदर इंस्टॉल करी है, इसका जो कॉम्बिनेशन बनाया है उसके साथ इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है ना वो बहुत शानदार हो गई है भाई। हम देखा करते थे कि डीजल इंजन मारुति सुजुकी के 23-24 की माइलेज दे देते थे, हालांकि ये गाड़ी बड़ी है और अगर डीजल इंजन इसका 22-23 तक की भी माइलेज निकाल दे तो भी कोई बुरी बात नहीं है भाई। और अब देखो इसका पेट्रोल इंजन है और 20 किलोमीटर पर लीटर की इसकी माइलेज है, क्या बात है यार। और क्या चाहिए इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी, और इसके अंदर वेट भी काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा भाई। मारुति सुजुकी की ब्रेजा जो है भाई पहले से ही 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है और इसकी जो चैसी है वो पहली वाली ब्रेजा के साथ ही शेयर की गई है, तो सेफ्टी ऑलमोस्ट वहीं पे रहेगी। अभी देखो भाई मैं जैसे इसको एक्सेलरेट कर रहा हूँ ना, ये देखो ये मैंने छोड़ दिया इसका एक्सेलरेटर और अभी फिर से मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो इंजन से पावर मिल रही है और बैटरी भी व्हील्स को पावर दे रही है। जैसे ही मैं एक्सेलरेटर छोड़ दे रहा हूँ तो इसकी बैटरी चार्ज होती है, और जब ये बैटरी व्हील्स को पावर देगी एनर्जी देगी तब इसकी माइलेज इंप्रूव हो जाएगी, ये काफ़ी शानदार चीज़ है। ये देखो भाई गड्ढे हैं तो थोड़ा बहुत उछाल तो आ रहा है, अभी मेरे को प्रॉपर बुरे वाले गड्ढे चाहिए ताकि मैं आपको इसकी राइड क्वालिटी चेक करा दूँ। ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं भाई, बहुत धीरे से निकालेंगे हम। ग्लाइड करते हुए निकल रही है यार बिल्कुल, हालांकि ऐसे गड्ढों के अंदर है ना जब आप स्पीड के अंदर ले जाओगे तब तो भाई खड़खड़ाहट और इम्बैलेंस हो जाएगा मामला, लेकिन जैसे थोड़ी स्पीड के अंदर आप चला रहे हो ना यहाँ पे तब ज़्यादा फील नहीं होएगा आपको, कंफर्टेबल सा ही लगेगा। हालांकि सस्पेंशन इसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, हल्का सा हार्ड साइड पर ही है। अब बात करते हैं भाई इसके ऑपरेशनल सिस्टम की, भाई कैसा ऑपरेशन लगता है आपको चलाने में। सबसे पहले गेयरबॉक्स की बात करते हैं, गेयरबॉक्स इसका ना अभी जैसे मैं आपको फील करके बताता हूँ, स्लिक शिफ्टिंग है, हालांकि बीच में कोई ऐसा रबरी फील नहीं दे रहा, कोई अटक नहीं रहा रास्ते में, आरपीएम्स काफ़ी हाई चले जाएंगे, मगर मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ जैसे आप इसको शिफ्ट करते हो ना, ये देखो बड़ा ही ना क्लिकी सा है और ईजी टू शिफ्ट है। क्लच इसकी थोड़ी सी और लाइट होती है ना यार तो और मज़ा आ जाता, पता नहीं भाई मैं टिगोर चला रहा हूँ उसकी कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीमली लाइट क्लच है इसलिए मेरे को फील हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड भी इसकी क्लच नहीं है, और जैसे आजकल की गाड़ियों में बहुत एक्सट्रीम लाइट क्लच आती है ना वो भी नहीं है, और ब्रेकिंग ब्रेकिंग भी काफ़ी बढ़िया है यार, हालांकि आजकल की गाड़ियों में ABS वगैरह आता है।
अभी जैसे हल्का सा ब्रेक लेके मैं इसको एक्सेलरेट करता हूँ ना, तो आपको झटका लगता है भाई, मतलब पुश बैक करती है सीट के ऊपर। 1.5 लीटर का जो इसका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है ना, वो 103 bhp की पावर निकालता है और 140 न्यूटन मीटर के आसपास इसका जो टॉर्क है, तो भाई काफ़ी पैपी तो है ये। देखो झटका मारती है बिल्कुल। अब जैसे नए नए बैठते हैं तो आपको पता नहीं होता कि क्लच कहाँ पर जाके इसकी काम करती है, तो इसलिए भी झटका आपको लगता है। थोड़ा सा चलाएंगे, यूज टू हो जाएंगे, तो क्लच का आपको पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पे जाके क्लच काम करती है, और वहाँ पे जब आप सेंसिटिवली इसको रिलीज करेंगे तो आपको वो झटका फील नहीं होगा। हालांकि इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस या फिर पावर पंच की बात करें ना, तो पंच ही तो काफ़ी है भाई, ये 140 न्यूटन मीटर के आसपास का जो टॉर्क है वो काफ़ी सही हो जाता है। पोजीशन कैसी है, ड्राइवर का व्यू कैसा है, तो भाई बहुत बड़े बड़े ग्लासेस है, लेफ्ट राइट देखो या आगे देखो या फिर पीछे की तरफ देखोगे। ये बात मेरे को हालांकि अभी पता चली कि जो सेडान्स होती है ना, उसका जो बैक वाला ग्लास होता है जैसे इस तरीके से रहता है वो यूं, और जब आप IRVM के अंदर उसको देखोगे ना, तो व्यू आपका काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि जो पीछे की तरफ स्लंटेड होता है उसका ग्लास। लेकिन हैचबैक हो या फिर इस तरीके की SUV हो, तो उसका जो रियर ग्लास है ना, वो ऐसे खड़ा खड़ा सा ही रहता है, ज़्यादा उसके अंदर इस तरीके का स्लोप नहीं रहता। इससे होता ये है कि IRVM के अंदर जो आपकी विजिबिलिटी है ना, वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ओवरऑल ग्लास है, कमांडिंग पोजीशन है और विजिबिलिटी हर तरीके से अच्छी है, तो इसमें आपको एक बढ़िया सहूलियत हो जाती है चलाने के लिए और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तब तक अपना और अपने का ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय गाइज़।